मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मेरे घर का सारा काम हो गया और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बच्चे गए हैं स्कूल और अनमोल के पापा गए हैं। वो रोज़ का रूटीन उनका ऑफिस का, तो मेरा सारा काम हो चुका है। तो अब मैं फ्री हूँ तो मैं मोबाइल चला सकती हूँ। ऐसे तो मैं सुबह भी चला लेती हूँ अनमोल के पापा के जाने के बाद। अब मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ फ्री टाइम में। बच्चों का आने का भी समय है, तो अभी 12:30-1 बजे तो अनुराग आएगा और 2 बजे आएगा अनमोल। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है रेस्ट करने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का टाइम है हमारे पास। तो हम फ्री हैं अब। तो ये देखिए मैंने बेड से देर लगा रखी है, तो सब काम हो चुका है। तो कितना अच्छा लगता है सुबह जल्दी काम कर लो, नहा धो के रेडी हो जाओ, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है हमने। चलिए गए तो खाते हैं दाल चावल और फिर मिलते हैं आपसे हम, और बनी रहेगा हमारे ब्लॉग में। तो मैं अभी तैयार तो हूँ, मैं तो सोच रही छोटे इंस्टाग्राम पे रील बना लेती हूँ और यूट्यूब पे शॉर्ट बना लेती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन हमारी वीडियोस देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। कोई भी है जो भी मेरी वीडियो देखता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप कहाँ से हैं, और तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा हमें भी खुद। तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी आपको, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइस, तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग में, तो मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में। कर लिए हैं और गरम करके लाई हूँ, तो चलिए गए तो आप भी खा लीजिए हमारे साथ में। खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं। तो देखिएगा अनुराग आ चुका है और इसकी पता नहीं क्यों तबीयत ठीक से नहीं लग रही, आते सो गया है। कह रहा है मम्मी सर में दर्द हो रहा है और बुखार सा भी लग रहा है, तो दुकानें भी बंद हो गई होगी। पैरासीटामोल दूंगी इसको, कुछ खा भी नहीं रहा है। जो लंच लेके गया था इसने वो भी ढंग से नहीं खाया, तो तबीयत ठीक नहीं है इसकी। मूड ख़राब हो जाता है जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मूड बेकार सा हो जाता है। मैं रील्स बना रही थी, मेरा इसको देख के मेरा मूड ख़राब हो गया। पता नहीं क्या होता है, स्कूल जाता है और इसको ऐसा होने लगता है। कह रहा मम्मी जब मैं स्कूल जाता तभी होता है मुझको, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या गर्मी की वजह से होता है इसको, क्या होता है राम जाने, कुछ पता नहीं चल रहा। तो देखते हैं इसको दवाई दिलाएंगे, दवाई खिलाएंगे भी। तो अभी 1:30 बज गया है, तो मैंने सूट अभी डाल रखा था, मैंने रील्स वगैरह बनाई थी तो सूट चेंज कर लिया था मैंने, तो अभी चेंज करूँगी फिर दोबारा। मूड ऑफ हो गया, एक यही तो है मेरे घर में चहल पहल करने वाला, यही बीमार पड़ जाता है। 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए इसको ऐसे होते हुए, कभी पेट में दर्द, कभी उस दिन पेट में दर्द हो गया था, थोड़ा सा लग रहा है 80। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, इसको दवाई देते हैं फिर देखेंगे। तो देखिएगा 5 बज चुके हैं और अनुराग को भूख लगी, तो अनुराग ने कहा कि मुझे कुछ खाना दो। तो उसने कहा कि मैंने उससे पूछा था डोसा खाएगा, तो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं डोसा खाऊंगा। उसका मन कर गया है डोसा का नाम सुनते ही, तो उसका मन कर गया है खाने का। तो मैंने चावल और थोड़ी सी दाल भिगो के रख दी है, तो उड़द की दाल नहीं है तो मेरे पास खाली चावल और सूजी का बनाऊँगी मैं। तो चने की दाल और चावल और सूजी का बनाऊँगी मैं डोसा, और अभी मैं मार्केट से लेकर आती हूँ आलू, क्योंकि उसे आलू बहुत पसंद है, तो आलू का बैटर डाल के रखूँगी बनाऊँगी, क्योंकि वो नहीं खाता बिना आलू के। तो चली गए तो चलते हैं। और अनुराग मैं आ रही हूँ आलू लेकर, ठीक है ना, आलू खाएगा ना, तो आलू लेकर आ रही मैं, तो अभी आती हूँ मैं आलू लेकर फटाफट, और अपनी सोनिया के लिए बनाती हूँ मैं डोसा। तो फिर सोना खाएगा डोसा आज, है ना, ठीक है
तो चलिए गए तो चलते हैं मार्केट और डोसा लेकर आते हैं। ओ, डोसा लेकर नहीं आते, डोसा बनाने के लिए आलू लेकर आते हैं। देखिए मैंने चावल भिगो दिए हैं, इसके अंदर मैंने चने की दाल और मेथी दाना, देखिए मेथी दाना मैंने मेथी दाना भी भिगो दिया है और पीस के फिर मैं इसमें डालूंगी सूजी, तो फटाफट बन जाएगा। साई लाली को बुलाती, लाली आजकल आ नहीं रही तो मैं खुद ही आ गई इसके पास। हाँ। क्यों नहीं आ रही है? दुकान पे इसके, दुकान पे तेरे? हाँ, देख। हैं? देख। आती नहीं, मैंने बुलाती रह गई, नहीं आई। लेकर आकर कपड़े धोए थे, वो मशीन नीचे बैठ जाती पर हमारे ऊपर कमरे में नहीं आती। हाँ, तुम थी गाने लगाए थे तुम उस दिन सुबह शाम, तुम्हें तो रात को गई थी 8 बजे। तुझे सब पूछते गांधीनगर में। लक्ष्मी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे दे दिए मजा, और दीदी बना रही है यहाँ सब्जी, चिकन बना रही है दीदी, और आज के दिन हम नहीं खाते हैं चिकन, आज हम आज हमारा फ्राइडे। आज क्या बना रहे? मैं दीदी अभी ना वो उसके लिए चावल भी गोकर आए, डोसा बनाऊंगी उसके लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अनमोल अनुराग की। मार्केट के लिए आलू लेकर आऊंगी मैं, तो मौसम तो अच्छा हो गया है, एकदम छाई वाला ठंडक। तो चले गए तो मिलते हैं आलू लाने के बाद। आलू भी ले आई, हरी मिर्ची भी ले आई और प्याज भी ले आई, तब इसे उबालने को रखते हैं हम। तो देखिए गाइस, मम्मी डोसे का बैटर पीस रही हैं और यहाँ पे ये आलू छील रहे हैं। हाँ, हम आलू छील रहे हैं और एक ये, हाँ ये वो है, ये अभी ठंडा हो रहा है। अनुराग भी छील रहा है, अभी इतने छील चुके हैं, अभी इतने हो रहे हैं। हाँ, इसमें प्याज तो नहीं, मिर्च, मूंगफली, दाल, लहसुन है और ये है। सारा पीस के एक वो बन जाएगी वो चटनी। अब मम्मी मसाला पीस रहे हैं, आप देख सकते हो कितनी चीजें रखी हैं वहाँ। तब आपको थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, दाल और मूंगफली की, बस में लहसुन और मिर्ची डाली है मैंने हरी, तो अब इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। और अब बनाते हैं हम आलू का बैटर, तो इसे हम फ्रिज में लगा देते हैं। तो फ्रिज में रख दिया हमने, तो देखिए अब हम बना रहे हैं हम आलू के बैटर बना रहे हैं। प्याज काट दिए और डालेंगे हम एक टमाटर और आलू मैश करके डालेंगे, मैंने राई डाल दिए। तो देखिए गाइस, हमारा आलू का भरता रेडी है। अब ये डलेगा हमारा डोसे में बैटर। चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया है और ये देखिए अभी मैं सोच रही हूँ इसके अंदर एक इनो डाल देती हूँ, तो इनो से फटाफट बना लूँगी मैं। और ये तो हमारा रेडी हो ही चुका है, तो चलिए गाइस मंगाते हैं इनो और डाल के फिर बना देते हैं। और अनुराग गया है दवाई लेने, उसके डैडी दिलवाने गए हैं दवाई, उसके डैडी आ चुके हैं। पहले बिना इनो का एक बना के देखती हूँ कैसा लगता है ये, और फिर उसके बाद में इनो डाल के बनाऊंगी।
देखिए गाइस, मैंने बिना इनो के बना रही हूँ एक में, तो देखते कैसा स्वाद लगता है इसका। हाँ बेटी, आ गया मैं। बुखार नहीं बताया मेरे को। बुखार नहीं है? बुखार नहीं है, लोंडे को बुखार भी नहीं है, बच्चे को। दवाई लेकर आ गया, बुखार नहीं बताया है, खांसी और जुकाम की दवाई ले आया है ये। खांसी जुकाम सर दर्द। हाँ सर दर्द। इस बन चुका है तो मैंने अभी बिना इनो का बनाया, तो अभी मैं इनो डालूंगी तो स्वाद बताएगा अनुराग। अनुराग बता खा के। इनो डालूंगी अभी। अच्छा बना? बिना इनो का तो सब। हाँ अच्छा लग रहा है। गाइस मैंने इनो डाल दिया है इसके अंदर, और देखिए मैं इनो डाल चुकी इसमें। तो अब मैं बनाती हूँ डोसा। एक डोसा मैं दे चुकी हूँ अनुराग को, तो तो आज का हमारा डिनर यही होगा डोसे का। तो सबसे पहले मैंने अनुराग को दे दिया क्योंकि उसने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं क्योंकि उसे बहुत पसंद है ये। तो देखिए गाइस हमारा डोसा बन गया है और कितने अच्छे उतर रहे हैं हमारे रोटी वाले तवे पे भी, तो हमें नॉन स्टिक तवे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो हमेशा इसी पे ही बनाती हूँ। और इसका भी एक तरीका है कि कैसे सही बनते हैं। हाँ तो इस पर पहले ऑयल लगाया जाता है तीन चार बार पानी डालना पड़ता है और फिर कपड़े से साफ करना पड़ता है, इसे नॉन स्टिक बनाता है पहले। तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है वो। फिलहाल अभी देखिए आप कितना सुंदर डोसा बन चुका है। सुंदर देखिए कितना सुंदर भाई, सुंदरता देखी जाती है आजकल। खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए प्रेजेंटेशन अच्छी है तो खाना अपने आप अच्छा लगता है। यस, स्वाद चाहे कैसा भी हो पर दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा डोसा तैयार है। ये देखिए तैयार है हमारा डोसा, तो इसे भिजवाते हैं हम अनुराग के पास। तो चलिए गाइस चलते हैं, ऐसे ही लेके जाऊंगी मैं तो। ठीक से बैठ जा। गाइस मिलने कब आएगा? पहले से नहीं पढ़ पाऊंगी, और बस अब मैं बनाती हूँ और खिलाती हूँ। तो अब मैं फटाफट बनाती हूँ और खिलाती हूँ, तो बाद में मिलते हैं आपसे। पर एक बार गाइस को बता कि नॉन स्टिक कैसे बनाया जाता था। नॉन स्टिक भी बताती, चलिए स्टार्ट। तो ये देखिए पहले हमने लगाया ऑयल ऐसे, और पानी लेते हैं हम अभी एक छोटे से जगह। तो इस पे हम डालेंगे और इस पे हम ऐसे कर देंगे और फिर लगाएंगे हम फिर ऑयल। ये देखिए बूंदी अपना भी
ये देखिए, और हम इसे साफ कर देंगे और ये बन गया हमारा नॉनस्टिक ही। तो इसमें लगा के दिखाती हूँ आपको फिर। इधर चाय भी तैयार हो रही है। तो ये देखिए, ये देखिए कितना आराम से ये निकल जाता है। ये देखिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में। गर्मी बहुत लग रही है। अब आप बनाओ, ठीक है, और ध्यान से बनाना। ठीक है गाइस, हमारा डोसा बन चुका है और खा रहे हैं। बताओ भी कैसा बना। बहुत टेस्टी। तो चलिए गाइस खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए डोसा। तो चलिए गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो देखिए गाइस, ब्लैंकेट से ये मंगाया है, बिस्किट है, ये डाइजेस्टिक बिस्किट है, ये शुगर फ्री। देखा ना क्या तो होता? अभी ऑर्डर करके मंगाया है, तो खोलो से जरा। ले भाई, तो चाय भी बन गई हमारी। खोलो भाई, ऐसी खोल दे, फाड़ दे बिल्कुल। ए रुक जा यार, तुम से ऐसे क्या रहा, डालो भी ना। आराम से कोई नहीं खोल सकता। नवरत्न नवरत्न की स्पेलिंग NVRETEAN नवरत्न। मम्मी देखो, मैसेज दो लाली को। मम्मी, लाली जल्दी आओ, तुम्हें याद कर रहे हैं हम, बिस्किट खा रहे हैं, आ जाओ। मम्मी